हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज मैं आप लोगों को बिटकॉइन की थोड़ी सी एक अपडेट दूंगा। रिसेंट में एक बड़ी बात हो गई है, वो ये है कि हमास नाम के ग्रुप ने अटैक कर दिया इसराइल पर, और उसके बाद इसराइल भी यहाँ पर हंड्रेड स्किल्ड इसराइल बॉम्बार्ड्स गाज़ा आफ्टर हमास लॉन्च सरप्राइज अटैक। तो इसराइल भी पीछे नहीं हटा, इसराइल ने ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर, और हमें आपको दिखाना है कुछ हिस्टोरिकल। वीकली कैंडल इस 24 फरवरी 2022 में पड़ी थी, और यहाँ पर बिटकॉइन 45,000 से डायरेक्ट यहाँ पर 37,000 के अराउंड आ गया था, और काइंड ऑफ ज़्यादा बड़ा पंप डंप नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छा खासा था उस समय के अराउंड। उसके बाद मार्केट डंप ही करी थी, और अगर आप देखोगे तो वो डंप इसलिए कर रही थी क्योंकि जो हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टॉक मार्केट था उसमें वो प्लमेट हुआ था। ओके, तो वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से 24 फरवरी की ये कैंडल थी, और 24 फरवरी की कैंडल ओपन 34,000 पे हुई थी और क्लोज़ हुई थी 39,000 पे, और 39,000 के दौरान शायद ये डंप भी हुई थी आई गेस। इतना ये वाली, ये मुझे याद है क्योंकि ये डंप आया था उस दिन सिंगल डे में। ये 24 फरवरी की कैंडल जिस दिन हुआ था ये चीज़, उसके बाद लेट्स सी कि इसी दौरान स्टॉक मार्केट में क्या हाल हो रहा था। तो अगर हम यहाँ पर S&P को लगाएं और न्यू प्राइस स्केल लगा दें तो हमें यहाँ पर S&P दिख जाएगा, और S&P यहाँ पर डाउनफॉल करता दिखा था। अगले काफ़ी दिन तक S&P नीचे ही गया था, अराउंड 4400 से लेकर डायरेक्ट ये चला गया था 4165 तक, तो काफ़ी बड़ा फॉल आया था। उसके बाद आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो भी क्रैश आया हुआ वो सारा सारा बिटकॉइन में कॉपीड दिख रहा है आपको, ठीक है। S&P के बॉटम में दिख रहा है कॉपीड, ठीक है, ये देखो कॉपीड दिख रहा है हर एक चीज़, हर एक क्रैश, हर एक बाउंस, सब कुछ S&P में। स्टॉक मार्केट और इसमें कोरिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया। अभी रिसेंट के दिनों में ऐसा हुआ है कि कोरिलेशन बिल्कुल सही नहीं चला, ठीक है, बट आप कह सकते हो कि ये मूवमेंट इससे भी क्रैक हो सकता है। बिटकॉइन सिर्फ एक लेटरल एक साइड बॉक्स में फंस गया, जबकि यहाँ पर S&P ऊपर उठ गया। बट अब अगर यहाँ पर इस जगह पर वॉर की न्यूज़ आती है और कल जो स्टॉक मार्केट खुलती है वो अगर बेरिश खुलती है तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये केस आप अपने दिमाग में रखना कि केसेस थोड़े इस तरह के हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन एक हेड एंड शोल्डर पॉसिबली बना रहा है लाइकली, और इस हेड एंड शोल्डर का हेड यहाँ पर है, लेफ्ट शोल्डर ये है, राइट शोल्डर ये है। नेकलाइन का जनरली टारगेट इतना होता है, अगर हम इस टारगेट को लेकर चलेंगे तो टारगेट को नीचे से हिसाब से हमें इस वीक की फॉलोइंग दिखनी चाहिए, अराउंड 20K 19K तक का टारगेट मिलता है अगर ये रेंज छूटती है। रेंज कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, इस रेंज की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है 24600 से लेकर 24800 25200 कहीं भी, ये जो रेंज आप समझ रहे हो ना जो होल्ड कर रही है बार बार, ये टूट जाती है तो हमारा प्राइस जो है, हमारा प्यारा प्यारा प्राइस वो यहाँ पर नीचे आ सकता है अराउंड इस एरिया तक, 23,000 से लेकर 20,000 तक का टारगेट उसका हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखना कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है हाईली लाइकली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिटकॉइन आउट परफॉर्म कर सकता है ऐसे टाइम में, क्योंकि बिटकॉइन को अलग रहना चाहिए, ऑब्वियसली वो बना ही इसलिए था कि बिटकॉइन ऐसी चीज़ों से अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर बिटकॉइन स्टॉक मार्केट क्रैश करती है तो मेरे ख्याल से अभी बिटकॉइन उतना मैच्योर नहीं है कि ये अलग करे। लास्ट टाइम हालांकि जो बैंक क्राइसिस आया था उसमें बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, पर वो बैंक क्राइसिस था, ये ग्लोबल इकोनॉमी का क्राइसिस है, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी सऊदी वगैरह और बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हो गए आगे चल के, US तो हो ही रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए एक टेंशन की बात है कि मार्केट्स हो सकता है प्लमेट करें, और मार्केट्स प्लमेट करेंगी तो यहाँ पर आप बिटकॉइन का ये अलग करेक्शन देख सकते हो, 23,000 वाला 24,000 वाला वो सब आने को रेडी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाह रहा था, दिखा देता हूँ, रून में दिखाऊंगा। पहली चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो है रून, एंड लेट्स सी रून में कुछ दिखाना है। ये दिखाना है कि मुझे रून में यहाँ पर इस तरह का कुछ दिख रहा है, हालांकि पोजीशन मेरी चल रही है, शॉर्ट की पोजीशन है। मैं यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी तो देख रहा हूँ, 1.65 तक मिल सकती है तो सही रहेगा वहाँ पर इस जगह पर, उसके बाद मैं रून में बाय की पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि डेली में जो है रून काफ़ी नीचे आ चुका है, ट्रेंड इसका पूरी तरह से रिवर्स हो गया। हालांकि यहाँ पर देखो इसका हायर हाइज जो बन रहे थे वो टूट चुके हैं ऑलरेडी, ये बेरिश हो गया है। ये वाला हायर हाई टूटा तो और बढ़िया होगा क्योंकि फिर तो इसको नीचे ही आना होगा, अराउंड 1.37 के अराउंड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे आने वाले दिनों के अंदर। सो दैट इज़ वन ऑफ द की थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। ट्रेड करना है तो इस तरह से ट्रेड करो, दिमाग लगा के ट्रेड करो। EMAs के नीचे
नीचे आ चुका है इंपॉर्टेंट रून, और सेल साइड लिक्विडिटी बैठी है 1.66 पे, तो एटलीस्ट वहाँ तक आना टैप करना तो बनता है रून का। ऊपर जाए ना जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, SL हिट करे ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता ट्रेड करने से, हम ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर उल्टी जा रही है तो हम अपने चेंज करेंगे चीज़ों को और लॉन्ग टर्म बैग को नहीं छुएंगे। लॉन्ग टर्म बैग यार बनते ही लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए रोना क्या यार, बार बार फिर रोने क्या लगते हो, तो रो मत, ठीक है, बस डटे रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इस तरह का पैटर्न, ये वाला पैटर्न कुछ हद तक ये पैटर्न है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी करो एक मिनट, सॉरी लेट मी डू दैट, इसको मैं कॉपी करूँ, इसको मान लो कि मैं यहाँ के ले आता हूँ, मान लो इस हेड एंड शोल्डर को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसका जो नेक लाइन हमारी होगी वो यहाँ कहीं पर होगी, और इसका ये वाली नेक लाइन हमारी यहाँ कहीं पर होगी, ये वाली नेक लाइन यहाँ कहीं पर होगी, एंड ये वाला जो लेफ़्ट शोल्डर है वो इस तरह का था, और राइट शोल्डर हमारा यहाँ पर होगा, और ये रहा हमारा एरिया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एरिया बनेगा हमारा नेक, इस तरह का देखो, पहले एक लेफ़्ट शोल्डर बना, उससे हाई एक हेड बना, उसके बाद एक नीचे का राइट शोल्डर बना, कुछ इस तरह का एक माइक्रो टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे भी दिख रहा है बनता। और अगर उस तरह का चीज़ें होती तब भी देखो क्या किया था, हम नीचे तोड़ के जब आए थे तो पिछले बियर मार्केट के सपोर्ट को तो रिटेस्ट करे थे, वहाँ जाके सेलिंग रुकी थी। तो अगर इस जगह इस तरह का कुछ होता है तो हमारे पास कहाँ तक का टारगेट बनेगा, मिनिमम 23,000 का बनेगा, दूसरा हमारा 20,000 का बनेगा, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम रुकावट ली थी, जहाँ हम रुके थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, जो देखते हैं वो समझ गए हैं कैसे ट्रेड करना, जो नहीं देख रहे हैं वो तो नहीं देख रहे, उन्हें क्या पता। तो अब यहाँ पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वीडियो को लाइक करके ही जाना यार, अच्छा लगता है, एंगेजमेंट रहती है, कम्युनिटी से जुड़ना, टेलीग्राम में की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।